अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुझे एवरी और उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। अभी मैं इनके एवरी के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ हूँ तो मैंने क्या देखा नाज़रीन, यहाँ पर ये जो कल आपको पिछली वीडियो में फेंस के पट्टे बताया था मैंने, तो उन्होंने क्या करा, ये हंडिया से जंप मार लिया कॉलोनी में, छोटी जो कॉलोनी है हमारी उसमें जब इन्होंने जंप मारा तो उनके साथ क्या हुआ ये देखें। दूसरी चिड़ियाओं ने इसे मारा और हमारी गैर मौजूदगी में इसको मार दिया बेचारी, पट्टा बड़ा हो गया था माशाल्लाह। और ये देखें चोंच भी साफ़ होने ही वाली थी आहिस्ता आहिस्ता, तो इसको यहाँ साइड से बिल्कुल डैमेज किया इन्होंने, चोंच मार मार के इसको बेचारे बच्चे को मार दिया इन्होंने। तो भाई अभी इसका क्या हल है, कॉलोनी में अगर ये बच्चे जंप मार लेते हैं तो क्या मतलब ये तो मार देंगे इसको। तो अभी आप देखें आपके सामने अभी एक बच्चा और था नीचे ही गिरा हुआ, ऐसा ही एक को पहले ब्लैक वाला जो आपको दिखाया था वो भी मर चुका है, उसको भी मारा है इन्होंने, और अभी ये दूसरा मर गया। एक और जो बच्चा था इसी कलर का फोन कलर का, वो भी नीचे कूदा हुआ था, जो कि अभी हमने उठा के उसको हंडिया में वापस छोड़ा है। तो ये बार बार बाहर जंप भी लगा ले रहे हैं बच्चे, और फिर जो है क्या बोले मार रहे हैं इनको, दूसरे फीमेल मेल मिलके इनको मार रहे हैं। तो इसका क्या हल है थोड़ा कमेंट में मुझे बताइए कि इनके साथ क्या किया जाए। बाकी ये वही हमारी कॉलोनी जो आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, अभी तक इनकी कोई प्रोग्रेस आई नहीं है। बाकी ये है कि इन्होंने नेस्टिंग बहुत अच्छी बनाई है, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से, ये देखें किस तरीके से इन्होंने बिल्कुल छोटी छोटी घास जो है जिसे गधा घास कहते हैं, इनकी नेस्टिंग मटेरियल जो होता है किस तरीके से इन्होंने कट किया है छोटा छोटा, और अपने हिसाब किताब से कैसा इन्होंने एडजस्ट किया है बॉक्स के अंदर, ये देखें आप। अभी मज़ीद इनको कल जो है लूसन देंगे। बाकी इनकी माशाल्लाह नेस्टिंग देखें, ये देखें बाहर तक आ रही है, इनकी नेस्टिंग का तरीका देखें, ये अल्बाइनों का पेयर का नेस्टिंग का तरीका है, तो बिल्कुल कोने में इन्होंने अपनी बैठने की जगह बनाई है। बाकी सब ये देख रहे हैं बाहर तक नेस्टिंग, अभी मज़ीद इनको डालूंगा तो ये बिल्कुल ही जो है ना ये हिस्सा बिल्कुल पैक कर देंगे, बहुत ज़्यादा ही अवर हो जाएगा नेस्टिंग बहुत अवर हो जाएगी, क्योंकि अभी इनको जो है लूसन भी डालने हैं और लूसन भी उठा के जो है नेस्टिंग मटेरियल बनाएंगे उसका बॉक्स के अंदर लेके जाएंगे लूसन को भी। तो और ये देखें ये जो हमारा रोजी कोली का पेयर था, इन्होंने ये नेस्टिंग का चूरा कर दिया इन्होंने भी, अभी इनको मज़ीद और लूसन की और नीम के पत्ते जो है वो देंगे, उसकी भी ये मज़ीद नेस्टिंग बनाएंगे। और जैसे ही माशाल्लाह इनकी जब ब्रीडिंग आएगी, इनकी नेस्टिंग देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है इन्होंने नेस्टिंग, ये देखें अपने पर भी इन्होंने इसके अंदर छोड़ दिया ले जाके, बिल्कुल मतलब बाहर से जो है आप अभी मज़ीद इनको अभी इनकी मज़ीद नेस्टिंग देख रहे हैं आप, नीचे बॉक्स में पड़ी हुई या आहिस्ता आहिस्ता ले जाके इस तरीके से बना रहे, ये जगह मेरे ख्याल से पैक कर देंगे। तो बाद में ज़्यादा भी नेस्टिंग नहीं देना चाहिए क्योंकि फिर बाद में हमको ही मसला होगा अंडे बच्चे देखने के लिए। तो मैंने ये जो गधा घास है मैंने तो बहुत ज़्यादा लेके आ गया था तादाद में, लेकिन इनको मैंने एक लिमिट में दिया है, ये देखो मैंने तो बहुत सारी ले आया था तो मैंने फिर भी लिमिट में दिया है। और जो है कॉकटेल ने क्या किया है, कॉकटेल नेस्टिंग नहीं करता भाई, इसमें थोड़ा सा लकड़ी का मैंने बुरादा डाल दिया था तो वो इसी पर ही मज़ीद इसी पर अंडे वंडे देते हैं तो इसी पर ही देंगे। और अभी ये पिंजरे के पीछे जाके देखिए मुर्गी ने एग ले किए, पता है इधर हाथ भी नहीं जा रहा कैसा निकाले इसको माशाल्लाह। अच्छा ये एग्स के लिए भी हमने एक मशीन जो है इनक्यूबेटर तैयार किया है, जो कि आइंदा वीडियोस के अंदर आपको बताऊंगा और उसका रिज़ल्ट भी बताऊंगा, उसमें अंडे भी रख के बताऊंगा। मैंने ये बाल्टी के अंदर मीज़ान घी की जो बाल्टी है
इसके अंदर पूरा सेटअप बनाया है। 19 लीटर वाली 20 लीटर वाली जो पानी की बोतल होती है हमारी, वो पानी की बोतल वगैरह बल्ब वगैरह सारा कंट्रोलर सिस्टम डिवाइस जो मैंने दराज रोड पीके से मंगवाया था परचेस करके, और इंक्यूबेटर बना दिया है, रेडी है, लेकिन लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा इश्यू है। तो अगर मैं उसमें अंडे रखूँगा, अगर मैं जैसा उसमें एक रखता भी हूँ, तो जो है लोड शेडिंग की वजह से हमारे एक इसमें ख़राब हो जाएंगे, और एक ख़राब होंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नुकसान ही है। तो उसके लिए मैं अभी UPS का जो है इंतज़ाम कर रहा हूँ, जैसे UPS और बैटरी वगैरह का इंतज़ाम हो जाता है तो फिर जो है इंशाल्लाह उसमें एक्स रखेंगे, और इनकी जो है ब्लू हैवी बफ जो है इनकी इनके बच्चे निकलेंगे अंडों के अंदर से माशाल्लाह इसके अंदर से। और प्रैक्टिकल करने के लिए हमने ये अंडे जो है कबूतर के नीचे रखे थे एक दोस्त के पास, जिसमें से माशाल्लाह दो बच्चे निकले थे। एक हमारा वाइट कलर की छोटी नस्ल की जो बेंटन होती है मुर्गी, इन्हीं में बफ पता नहीं क्या नाम है उसका, उसका एक अंडा था छोटा सा वो, और ये जो अभी मैंने एग उठा के रखा है ये एक अंडा, ये दो हमने कबूतर के नीचे रखे थे जिसमें से दो बच्चे निकले थे। एक में से ब्लैक कलर का इनके जैसा ब्लू बफ था, और एक निकला था वाइट बेंटन का, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सके क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया नहीं उस दिन जिस दिन वो बच्चे निकले अंडे से, और उनको पता नहीं था कि ये दाना क्या खाएंगे। उन्होंने बाजरे की बढ़नी मतलब एक डब्बे में रख के उसमें बाजरा डाल के छोड़ दिया, और वो बाजरा नहीं खाते, वो चार नंबर की फीड खाते हैं, तो मुझे पता ही नहीं था, तो बस वो एक्सपायर हो गए इसी चक्कर में, भूखे रहने की वजह से एक्सपायर हो गए थे। और अब जो है इंशाल्लाह इनक्यूबेटर में जो बच्चे निकलेंगे वो आपको लाजमी शेयर करूँगा मैं हर चीज़ डे टू डे की आपको वीडियो, मतलब अंडे जो हाथ से मैनुअली है, अंडे हाथ से उसको घुमाने पड़ेंगे, मैनुअली मशीन है, हाथ से अंडे वगैरह घुमाएंगे। तजुर्बा कर रहे हैं इसी घर में फारिक भाई, तो तजुर्बे कर रहे हैं, और तजुर्बा कामयाब हो गया तो और भी बनाएंगे, मज़ीद बनाने का तरीका आप लोगों को भी बताएंगे। तो एक बच्चा ही ब्लू बेंटन ब्लू बफ का जो है 1500-2000 रुपये का एक चूज़ा होता है, तो घर बैठे अगर चूज़े आ रहे हैं तो बुरे नहीं है भाई, और OLX के ऊपर ये सेल भी हो जा रहे हैं, तो लोग 1500-2000 का कर रहे हैं तो हम 1000 रुपये में सेल कर देंगे, कोई इशू नहीं है, बहुत शौकीन पड़े हुए लेने वाले खरीदार। और क्योंकि यहाँ जब कॉलोनी में इधर एवरी में हम आते हैं तो बस दाना पानी डालने के बाद फारिग ही हो जाते, 2-4 घंटे होते हैं अपने पास, तो फिर उसमें एग्स वगैरह जो है हम उसमें वो करेंगे। बाकी ये डफ का जो है निकालने का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह डफ सेल कर देंगे, डफ की जगह कुछ और ला के इसमें डालेंगे पिंजरों में, क्योंकि डफ की जो है ब्रीडिंग नहीं आ रही है, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है, 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, कोई इनकी जो है ख़ास प्रोग्रेस, ख़ास क्या प्रोग्रेस है ही नहीं। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह आपको इंक्यूबेटर ऑन करेंगे UPS आने के बाद, तो आपको बताएंगे लाजमी कि क्या प्रोग्रेस आ रहा है उसके अंदर, और क्या निकल रहे हैं अंडे से बच्चे, कौन सी नस्ल के बच्चे निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास मुर्गी जो है नॉर्मल देसी है, मिस्री मुर्गी है, नॉर्मल है मुर्गे हमारे पास है बेंटन, वो ब्लू है भी बहुत। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बहुत बेहतरीन वीडियोस मिलने वाली इस चैनल पर, और जो भी सवाल हो आपका मेरे से कर सकते हैं, अगर मुझे मालूमात होगी तो बिल्कुल जवाब दिए जाएंगे आपको, और हमारे दोस्तों की भी 3-4 दोस्तों की भी एवरी है, हमारे मेरे से तो बड़ी एवरी है उन लोगों की माशाल्लाह। अभी हमारे पास इंशाल्लाह क्रिमिनो भी आ जाएंगे, ऑफलाइन का पेयर भी मैंने बुक कराया है दोस्त के पास, ग्रीन ऑफलाइन पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट इनू बुक करवा दिया है मैंने इधर मेल, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। तो इस पर काम करना है, वर्किंग करना है इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ सेटअप को बढ़ाना है मज़ीद, तो जैसे ही होगा आप ये हेल्प भी करोगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, बिल्कुल आपको जवाब देंगे।
बर्ड्स के हवाले से या किसी भी मेडिसिन वगैरह के हवाले से या कोई फार्मूले वगैरह आपके पास है तो आप हमको फार्मूले दे सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।